हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज फॉरेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे MS Excel में इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हम बिना देरी के हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल में हमें एक टेबल चाहिएगी, जैसे हमने ये टेबल पहले से ही बना रखी है और उसके बाद में हमने कुछ वैल्यू डाल रखी है। तो हमें इंडेक्स जो है, इंडेक्स फॉर्मूला दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो है वन डायमेंशनल, दूसरा जो है वो टू डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में सबसे पहले यूज करते हैं, जैसे फॉर्मूला हम लगेंगे इक्वल इंडेक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में हमें किस चीज की हमें वैल्यू चाहिए, जैसे हमें ये जो टेबल है यहाँ से लैपटॉप से लेके कॉस्मेटिक, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी रोज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट को, MRP को या फिर प्रोडक्ट कोड है इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें या तो प्रोडक्ट कोड याद होना चाहिए, और कॉस्ट और MRP से सिलेक्ट करने से हम बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे ये किस चीज़ की वैल्यू है क्या है। तो नॉर्मली हम प्रोडक्ट नेम जो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर कोमा, उसके बाद में हमें कॉलम नंबर मतलब कि इसमें से जो वैल्यू होगी वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम ये जो है G2 इसको हम सिलेक्ट, G3 को, और एंटर मार देंगे। जैसे यहाँ पर ये सीरियल नंबर हम टाइप करेंगे 8, तो 8 नंबर जो है कॉस्मेटिक है, ये देखिए E1, E2, E3, E4, E5, E6, 7, 8, 8 नंबर पे कॉस्मेटिक है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर एक नंबर पर हमारे क्या चीज़ है, तो एक नंबर पर करने से हमारे लैपटॉप आ जाएगा। हम चाहते हैं 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे प्रिंटर है। 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे मोबाइल है। तो इस तरीके से सिंगल डायमेंशन तरीके से इसको यूज कर सकते हैं इंडेक्स फॉर्मेट। जैसे वन डायमेंशन है वैसे टू डायमेंशन भी है, तो इसको हम किसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल इंडेक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हम रो और कॉलम दोनों लेंगे। इसके लिए हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें इसके जो रो नंबर है उसको डालना पड़ेगा, फिर कोमा, इसका कॉलम नंबर है उसको डालना पड़ेगा, एंटर मार देते हैं। जैसे रो नंबर 8, कॉलम नंबर 3। रो नंबर 8 कॉस्मेटिक है, कॉलम नंबर 3 कॉस्मेटिक। 1 हो गया, ये 2 हो गया प्रिंट प्रोडक्ट कोड, 3 हो गया कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है 5000। तो यहाँ पर देखिए 5000 आ गया। ऐसे हम इसको 8 की जगह 1 कर देते हैं। 1 पे क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप है ये 3 नंबर कॉलम, 1, 2 और ये 3, 3 पे 2500। इस तरीके से हम इसको वैल्यू चेक कर सकते हैं। हमें कॉलम नंबर फिक्स जरूरी नहीं है कि 3 नंबर भी आएगा, इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे हम ये 3 नंबर कर देते हैं, कॉलम नंबर हम 2 कर देते हैं, तो इसका हमें प्रोडक्ट कोड जो है वो आ जाएगा 3 पे 2। 3 पे मोबाइल है, मोबाइल का जो प्रोडक्ट कोड है वो 1001 है। या फिर इसकी हमें MRP या कॉस्ट जो भी देखनी है वो हम देख सकते हैं, ये 3000 इसकी MRP आ जाएगी। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम 6 कर सकते हैं, 6 या जो भी वैल्यू हम सेट करना चाहे वो हम डाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको अभी भी इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी, समस्या या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के रोमांचक वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।